स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एसटूटी में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे स्काईलॉन के बारे में। तो आइए जानते हैं स्काईलॉन द स्पेस प्लेन के बारे में। तो आइडिया इसका ये है कि एक सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट रॉकेट बनाया जाए, मतलब जैसे ही आप इसको लॉन्च करेंगे ये कुछ ड्रॉप नहीं करेगा। मतलब जैसे आप देखते होंगे रॉकेट जाता है तो साइड में छोटे छोटे बूस्टर लगे तो वो फेंक दिया जाता है, फिर स्पेस शटल में तो दो बड़े रॉकेट फेंके जाते थे, फिर फ्यूल टैंक फेंका जाता था, और फाल्कन 9 भी देखेंगे तो एक गया फिर बूस्टर वापस आ गया। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ टूटते जा रहा है, तो वो ना करके एक ही चीज़ को सीधे अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट, बेसिकली SSTO। तब उसके बाद ठीक है वो तो आपने बना लिया, आप चलिए मिसाइल थोड़े बना रहे हैं, आप कुछ प्लेन बनाना चाह रहे हैं तो रीयूजेबल होना ज़रूरी है, रॉकेट की तरफ फेंक देना नहीं है। जैसे फाल्कन 9 रीयूजेबल है लेकिन उसका बूस्टर ही वापस आता है, अपर स्टेज नहीं आता, तो इसमें पूरा चीज़ वापस आएगा। जैसे आपने देखा कि इसमें कोई चीज़ फेंका नहीं जा रहा है तो ये पूरा वापस आ जाएगा। अब प्लेन हम लोग इसलिए बनाना चाहते हैं कि जैसे कि एयरपोर्ट बहुत जगह होता है लेकिन रॉकेट लॉन्च पैड्स ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ना ही हर जगह मिलता है। मतलब बहुत स्पेसिफिक जगह पे बनाया जाता है, मतलब एग्जैक्ट जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे अगर रॉकेट फटे उठे तो किसी को नुकसान ना हो, मतलब बहुत खर्चा दिया जाता है कि मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त खर्चा लगता है रॉकेट लॉन्च पैड के लिए। और खर्चा तो छोड़ दीजिए, वो हर जगह होता भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपको कहीं से भी लॉन्च करना है या कहीं लैंड करना है, तो लैंड करने के लिए तो रॉकेट किए जा सकते हैं लेकिन लॉन्च करने के लिए आप नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि कहीं से भी लॉन्च किया जा सके। तो ये है आइडिया। तो स्काईलॉन के बारे में समझते हैं, आइडिया वो था तो अब किया क्या जा रहा है। आप ये समझिए कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज एक ज़माने में साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते थे लेकिन बाद में पॉलिटिक्स, उन्हीं की पॉलिटिक्स ने उन्हीं को ही ले लिया। मतलब आप ये समझिए कि जिस टाइम यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन नहीं, यूनाइटेड किंगडम खुद का स्पेस प्रोग्राम चला रहा था, वो एक रॉकेट बनाया था ब्लैक एरो करके जिसका नाम लिपस्टिक रॉकेट रखा है, उसके ऊपर उन्होंने लाल पेंट किया था ट्रैक करने के लिए तो लिपस्टिक जैसा दिखता था, तो लिपस्टिक रॉकेट को बनाया जिसका मतलब इस्तेमाल करके वो लोग लगभग स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के लेवल की कॉस्ट इफिशेंसी पहुंच जाने वाले थे, जो कि समझिए वो बस 20 साल या 30 साल पहले कर लिए थे लेकिन पॉलिटिक्स के चलते वो बंद हो गया। और बार बार पॉलिटिशियंस जो थे यूके में वो बार बार फ्रांस को फेवर करने लगे, फ्रांस के थिंग्स खरीदने, मतलब सामान खरीदने लगे, तो हर चीज़ का हुआ होने के बाद, पॉलिटिक्स का हुआ होने के बाद ये हो गया कि यूके का खुद का कुछ टेक्नोलॉजी नहीं रहा। तो ये टेक्नोलॉजी यूके की खुद की है और ये तीन लोग बना रहे हैं, ये समझिए एकदम पैशन प्रोजेक्ट है। मतलब ये तीन लोग इस प्रोजेक्ट में बनाने वाले थे लेकिन जब गवर्नमेंट ने बजट बंद कर दिया, जब उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया, तो ये लोग अपना कंपनी खोले, वो कंपनी का नाम है रिएक्शन इंजन्स, और ये वही बनाना चाहते हैं। स्काईलॉन इन्हीं का डिज़ाइन है। और अगर आप पूछना चाहेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है, मतलब इसकी तरक्की कहाँ तक हुई है, तो ये R&D फेज में है। मतलब रिसर्च जो करना था वो हो गया, कि कैसे कैसे मैथमेटिक्स करना है, क्या क्या किया जाएगा, वो सब हो गया है। अब इसका स्केल मॉडल बनाया जा रहा है, टेस्ट किए जा रहे हैं, स्मॉल स्केल टेस्ट। तो मतलब ये अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट फेज़ में है, ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ बन गया है बस कुछ साल में लॉन्च हो जाएगा, तो ये बहुत लंबा रास्ता लगने वाला है इसका। तो ये काम कैसे करता है, कि इतना चीज़ कर कैसे लेता है, कि अगर स्पेस एक्स को भी अगर रॉकेट को वापस भेज के मतलब स्टेजिंग करना पड़ता है, ये एक पीस में कैसे ऊपर चला जाता है, एक पीस में वापस भी कैसे आ जाता है। तो आप ये समझिए ये सारे तिगड़म की जड़ है सेबर इंजन, सिनर्जेटिक एयर ब्रीदिंग रॉकेट इंजन। मतलब ये तिगड़म जो है, ये तिगड़म का कमाल है ये। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रॉकेट का माइलेज कैसे नापा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक इंपल्स। नाउ स्पेसिफिक इंपल्स होता है सेकंड में, ठीक है सेकंड में है ठीक है, लेकिन 400 से 500 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है रॉकेट इंजन के लिए। जेट इंजन जो कि मतलब बहुत घटिया भी हो वो भी 3000 या 4000 पे चलता है, तो मतलब आप समझ सकते हैं रॉकेट इंजन से 3 से 4 गुना ज़्यादा माइलेज देता है एक जेट इंजन। इसीलिए आप रॉकेट में देखते होंगे कि 90% फ्यूल है, ऊपर छोटा सा पेलोड है, प्लेन में फ्यूल टैंक आपको दिखता भी नहीं है, विंग में जनरली रहता है, और मतलब उतना बड़ा पेलोड ले जाता है। तो ये उस फायदे का इस्तेमाल कर, बेसिकली ये जेट इंजन और रॉकेट इंजन को मिला देना चाह रहे थे। अब प्रॉब्लम होता है कि रॉकेट बहुत तेज चलता है, प्लेन तो मतलब बहुत हुआ तो 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, फाइटर जेट हुआ तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। कुछ एक फाइटर जेट SR-71 जो था ब्लैकबर्ड, वो जाता था 3000 पे। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती, गर्मी बहुत बढ़ती जाती है, तो इंजन का जो हवा ले रहा है, इंजन एयर इनटेक जो हो रही है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वो हवा जो अंदर घुस रही है आपके इंजन में वही बहुत गर्म हो जाता है।
तो जैसे कि ये इंजन को काम करना है मार्क 5 पे, यानी लगभग समझ लीजिए 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस रफ्तार पे हवा जो अंदर घुस रही है आपके इंजन में वो 1000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो आम मेटल को तो सीधे काट देगी, और अगर आप ठोस मेटल भी उसके घिस के उसको बर्बाद कर देगा, तो आप उतना गर्म हवा का, मतलब समझिए सीधा सीधा एक ब्लो टॉर्च चल रहा है आपका, उसका इस्तेमाल कैसे कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप आग भी नहीं लगा सकते, वो इतना गर्म है कि वो ठीक से जलेगा नहीं, तो उसको ठंडा करना पड़ता है। तो यही है ये इस इंजन का तिगड़ों का कमाल, इसको कहते हैं प्री कूलर। और ये प्री कूलर 1000 डिग्री सेल्सियस की हवा को, जो मतलब आ रहा है अंदर, मतलब इनटेक में आ रहा है, उसको 1 सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर, मतलब स्प्लिट सेकंड में ऐसे 1000 डिग्री आएगा, धड़ाक से उसको -150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देगा, और उसके बाद इंजन में डालेगा। तो ये तिगड़म करना, यही है इनका मैजिक, यही है प्री कूलर। मतलब ये इंजन में बाकी सारा चीज़ ठीक है, नॉर्मल है, मतलब फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल रॉकेट की टेक्नोलॉजी, ये प्री कूलर है तिगड़म। प्री कूलर है मतलब जिसका पेटेंट किया जा रहा है। प्री कूलर अगर सक्सेसफुली काम करने लगा, सही से मतलब वो परफॉर्मेंस देने लगा जो सोचा जा रहा है, मतलब पेपर में तो कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन मतलब क्या वो एक्चुअली टेस्ट ड्राइव में डिलीवर कर दिया, तो वो बहुत इंजन, मतलब जेट इंजन के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर इसको जेट इंजन में लगा दिया जाए तो आपके फाइटर जेट ज़्यादा स्पीड पे जा पाएंगे, और अगर ज़्यादा स्पीड पे आप नहीं भी ले जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप सिर्फ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका इंजन में जो हवा जा रहा है वो ठंडा हो जाएगा, माइलेज बढ़ जाएगा, इंजन की उम्र बढ़ जाएगी। तो समझ रहे हैं, हर चीज़ से, हर तरीके से फ़ायदा होगा अगर ये टेक्नोलॉजी काम करने लगा तो ठीक है, ये रॉकेट है जो सांस ले रहा है, आपको समझ में आ गया कैसे वो गर्म हवा को ठंडा कर रहा है। तो ईंधन के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है हाइड्रोजन। ये बेसिकली स्पेस शटल जैसा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप लोगों को तो पता ही है हाइड्रोजन बहुत ठंडा होता है, माइनस लगभग एब्सोल्यूट जीरो पे होता है। तो ये एक रफ डायग्राम है जिसमें आप देखिए कि मतलब ये पूरा लाल हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजन है, छोटा सा नीला सा ऑक्सीजन टैंक है। अगर ये एयर ब्रीदिंग नहीं होता, मतलब हवा से ये ऑक्सीजन नहीं ले रहा होता, तो वो बहुत बड़ा हो जाता, वो टैंक जो मतलब ऑक्सीजन कैरी करता वो भी बड़ा हो जाता। हाइड्रोजन इतना बड़ा नहीं होता लेकिन बड़ा हो जाता, तो उसको छोटा कर दिए ये लोग, मतलब हवा से ऑक्सीजन निकाल के, माइलेज तो मिल गया। तो अच्छा, अब आप बोलोगे ठीक है, ये 1000 डिग्री सेल्सियस से इसको -180 डिग्री कर दे रहा है, ये हो कैसे रहा है, मतलब क्या तिगड़म है? तो तिगड़म ये है कि ये लोग हाइड्रोजन जो ईंधन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे गर्मी निकालने के लिए ये लोग हीलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कूलर में जो चीज़ चल रहा है वो है हीलियम। तो आप लोग बोलोगे कि लिक्विड हाइड्रोजन सबसे ठंडी होती है, तो लिक्विड हीलियम के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हीलियम ये समझिए कि अगर हीलियम इनर्ट है, अगर आप हाइड्रोजन को पतले पतले मेटल पाइप से ले जाएंगे वो मेटल को डैमेज कर देगा, केमिकल लेवल पर भी, ठंडे रहने से भी। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन मेटल इम्ब्रिटलमेंट, बेसिकली मेटल सक्सेसफुली नहीं टिक पाएगा, तो हीलियम चलाया जाता है ताकि वो मेटल टिका रहे। और अगर रीयूजेबल आप बना रहे लेकिन हर बार के बाद आपको ये बदलना पड़ जा रहा है क्योंकि ये डैमेज हो जा रहा है, तो उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो वो सब मिला के हीलियम किया जा रहा है। तो हीलियम तो है, ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन हीलियम का जो गर्मी निकल रहा है, जैसे आप एसी चलाते हैं तो एक जगह ठंडा होता है एक जगह गर्मी होता है, वो गर्मी डालने के लिए ये लोग हाइड्रोजन में डाल दे रहे हैं वो गर्मी, और हाइड्रोजन आपको तो पता ही सबसे ठंडा है ही, तो ऐसे इनका ठंडा करने वाला काम चल रहा है। हीलियम इनका मतलब रेफ्रिजरेंट है, जैसे आपका CFC होता है या R25 होता है जो आप AC में लगाते हैं, उसके जगह पे ये लोग हीलियम यूज़ कर रहे हैं। ईंधन के तौर पे किरोसिन के जगह पे ये लोग हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीजन थोड़ा सा अपना रखेंगे स्पेस में जाने दरमियान, ये लोग इस्तेमाल करेंगे वो ऑक्सीजन को। तो ऐसे ये काम करता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब हर चीज़ में तो मतलब थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, तो कुछ प्रॉब्लम भी होगा। तो प्रॉब्लम ये समझिए कि इसको बहुत ठंडा लिक्विड चाहिए जिसमें ये गर्मी डाल सके। जैसे आपके घर में जो एसी लगता है वो हवा से गर्मी निकालता है आपके रूम में अंदर में और बाहर के हवा में डाल देता है, ये वैसा नहीं कर सकता है। ये जो गर्मी उस हवा से निकाल रहा है जो 1000 डिग्री सेल्सियस पे, उसको कहीं फेंक नहीं पा रहा है, उस गर्मी का वो कुछ कर नहीं सकता, तो उस गर्मी को एक ठंडे लिक्विड में डाल दे रहा है, मतलब समझिए आप फ्रिज का पानी में ठंडा कर दे रहे हैं। तो वो सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, मतलब आप कंटिन्यूअसली नहीं चला सकते। तो इस केस में जैसे ये स्पेस प्लेन में है तो इतना सारा हाइड्रोजन लग रहा है, उसमें से काफ़ी हाइड्रोजन सिर्फ इसीलिए ख़त्म किया जा रहा है कि वो ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, जो एयर की गर्मी निकाली गई 1000 डिग्री सेल्सियस की, जो आपने गर्मी निकाल ली उस गर्मी को ये हाइड्रोजन संभाल रहा है। तो मतलब समझिए ये ठंडा एक तरफा है, ये कंटिन्यूअसली नहीं चल सकता। ऐसे आप बर्फ़ रख के, बर्फ़ का गिलास अपने पास रखिएगा तो वो कंटिन्यूअसली नहीं चलेगा ना, वैसे ही कर रहा है। और जो इन्होंने कमर्शियल एयरलाइंस के लिए या फाइटर जेट्स के लिए बात कर रहे हैं, उसमें भी बात ये हो रहा है कि वो लोग जो गर्मी कलेक्ट करेंगे उसको वो
किरोसिन में नहीं डंप करेंगे, यानी RP-1 में डंप नहीं करेंगे या जेट फ्यूल में नहीं डंप करेंगे, उसको ये लोग लिक्विड नाइट्रोजन में डंप करेंगे। तो और ऐसा भी नहीं कि वो डंप कर दिया, आपने एक बड़का सा थर्मस ले लिया लिक्विड नाइट्रोजन का, उसमें डंप कर रहे हैं एनर्जी, वापस आए फिर से उसको ठंडा कर दिया, नहीं, वो निकलते जाएगा। मतलब आप 1000 लीटर जैसे मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन ले जा रहे थे, वो जैसे जैसे प्लेन उड़ता गया वो ख़त्म होता गया नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है कि वो मतलब यूज़ कर पाएंगे या रिसाइकिल कर पाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये इसका भारी बात है कि मतलब एक तो प्रीकूलर अभी पूरी तरह से टेस्टेड है नहीं, अगर टेस्ट हो भी गया काम करने भी लगा तो इसको ठंडा लिक्विड चाहिए, वो लिक्विड इसके लिए मतलब यूज़ का केस इसका काफ़ी कम कर देता है। उसके बाद हम लोग बात आते हैं कि ये बहुत सस्ता नहीं है, ये जो स्पेस प्लेन का डिज़ाइन बनाया जा रहा है, ये डिज़ाइन का दाम लगभग $1 बिलियन पर पीस है और पर लॉन्च कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब फाल्कन 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और फाल्कन 9 से ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब फाल्कन 9 कम वजन ले जा सकता है, फाल्कन 9 वजन बहुत ज़्यादा ले सकता है लेकिन सेफ्टी के लिए उसका वज़न का लिमिट किया गया है। तो सेफ्टी के लिमिट के बाद भी अगर आप देखना चाहेंगे तो फाल्कन हैवी के कंपेयर का है ये, फाल्कन हैवी जितना वजन जियो स्टेशनरी पर ले जा सकता है ये उतना वजन ले जा सकता है। तो एक तो ये सस्ता नहीं है, ऊपर से ये ज़्यादा केपेबल भी नहीं है, मतलब ये रॉकेट आप आज ले सकते हो, ये अभी तक बना नहीं है, तो समझ सकते हैं इसमें उतना मतलब प्रॉफिट नहीं है। दूसरा जो फाइनल था जो मैं रिसर्च करने के दरमियान आया कि वो इसको 6 किलोमीटर लंबा रनवे चाहिए। तो आप लोग तो बोलोगे रनवे बहुत लंबा होता है, तो रनवे जनरली 1 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 3 किलोमीटर के अंदर ख़त्म हो जाता है, 6 किलोमीटर का कहो तो रनवे नहीं होता है, बहुत क्या कोई रनवे नहीं होता 6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का रनवे इनको बनाना पड़ेगा। और रनवे के साथ प्रॉब्लम यह है क्योंकि ये बहुत छोटा विंग रखा है, इसको बहुत स्पीड पर चलना पड़ेगा तभी वो विंग लिफ्ट देगा। तो रॉकेट इंजन स्पीड तो पकड़ लेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्पीड बहुत चाहिए। तो प्रॉब्लम है कि इसके चलते वो 6 किलोमीटर का रनवे जो है वो बहुत समतल होना चाहिए। तो आप लोग तो बोलोगे भाई रनवे तो हमेशा समतल होता है, हाँ नया नया रनवे समतल होता है, लेकिन रनवे जैसे जैसे यूज़ किया जाता है उसमें जहाँ पे भी प्लेन लैंड करती है वो जगह धंस जाता है। तो अगर आप किसी भी फुटेज में देखिएगा जो सामने से टेलीफोटो लिया गया है, आपको रनवे थोड़ा ऐसे ऐसे दिखेगा, और अगर आप प्लेन पे चल रहे हो तो आपको प्लेन हिलता हुआ क्यों लगता है रनवे पे, वो इसीलिए कि मतलब प्लेन एक भारी चीज़ है, तो भारी चीज़ आते आते थोड़ा थोड़ा वहाँ मिट्टी दब जाता है, खास करके जहाँ लैंडिंग का झटका पड़ता है वो जगह तो बहुत पहले ही धंस जाता है। नया नवेला रनवे है जो यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, एक तो आपको 6 किलोमीटर चाहिए, ऊपर से एकदम सीधा चाहिए जो कि बहुत मुश्किल है, बनाना आसान है लेकिन मेंटेन करना कि वो धंसे नहीं वहाँ पे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त डिफ़िकल्टी वाली बात है। तो वही जैसे रनवे वाला बात आया कि ये कहीं लैंड नहीं कर सकता, ये कहीं मतलब इसके लिए आपको खास खास रनवे बनाना पड़ेगा, सब तिगड़म देखने के बाद मतलब ये इस पर मेरा भरोसा उठ गया। तो कुछ बेटर अल्टरनेटिव है इसका, तो मतलब जैसे मैंने वीडियो बनाया नासा के गलती के बारे में, नासा का एक गलती किया गया था कि जब स्पेस शटल फेल होने लगा उसके बाद उन्होंने स्पेस शटल के बाद एक दूसरा रिप्लेसमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया था जिसका नाम था वेंचर स्टार। ये बेसिकली स्पेस शटल जितना ही केपेबल था, मतलब जो चीज़ स्पेस शटल कर सकता था ये कर सकता, लेकिन ये सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट था और रीयूजेबल था, मतलब सीधा सीधा इसमें भी कोई चीज़ फेंका नहीं जाएगा, फ्यूल टैंक नहीं फेंका जाएगा, सॉलिड बूस्टर नहीं फेंके जाएंगे, और ये सीधे सीधे लॉन्च पैड से उड़ेगा, ये रनवे से नहीं उड़ेगा, ये दोनों में अंतर है, स्काईलॉन रनवे से उड़ेगा लेकिन ये लॉन्च पैड से उड़ेगा, ठीक है, और ये उतरेगा रनवे पे। तो आप बोलोगे इसको भी तो बहुत लंबा रनवे चाहिए, वो नहीं, स्पेस शटल का ये प्रॉब्लम था कि वो हर रनवे पे नहीं उतर सकता था, इसको लंबा तगड़ा रनवे चाहिए था। तो ये चूंकि इसका विंग टू बॉडी रेशियो जो मतलब समझिए कितना लिफ्ट आपको मिलेगा विंग से, ये बहुत अच्छा होने के चलते ये बहुत छोटे रनवे पे उतर सकता है, मतलब ये लगभग सब कमर्शियल एयरपोर्ट में उतारा जा सकता है इमरजेंसी के लिए। जनरली आप इसके लिए एयरपोर्ट रखेंगे लेकिन मान लीजिए कुछ हो गया, विंड के चलते कोर्स चेंज हो गया, इमरजेंसी मूव करना पड़ा, तो ये किसी भी रनवे पे उतारा जा सकता था। और ये आप इतना चीज़ कर कैसे लेता है स्पेस शटल जैसा चीज़, ये इसका खासियत था एरोस्पाइक इंजन, आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर हम लोग आते हैं BFR के बारे में, और ये है BFR 2.0 जिस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 2025 तक तो ये नहीं बनेगा, कम ही चांस है, लेकिन 2030 तक तो बन जाएगा, मतलब इलॉन मस्क भावनाओं में बह जाते हैं जब भी टाइम बताते हैं, तो लेकिन कर लेते हैं, बस टाइम थोड़ा जल्दी ही बता देते हैं, डिलीवरी डेट इनकी सुभान अल्लाह होती है। तो हर चीज़ समझने के बाद अब ये देखिए कि BFR रेडी हो जाएगा, इससे ज़्यादा वजन ले जाएगा स्काईलॉन से और लगभग स्काईलॉन के दाम का रहेगा, तब बताइए, अब उसको बेचना मुश्किल हो जाता है। और फिर आप बोलोगे ठीक है मान लीजिए ये तो 100 टन है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है, कुछ सस्ता ऑप्शन, हाँ ये भी ब्लू ऑरिजिन है जो अमेजोन के CEO बना रहे हैं, वो भी अपना बना रहे हैं, वो भी 60 टन ले जाएगा जो कि स्काईलॉन से ज़्यादा है। तो सब मिला के अल्टरनेट हो गया है और उसमें बहुत झंझट है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बनाया जाएगा, और बनाया भी जाएगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, मतलब एक बार बनाया, एक दो बार लॉन्च किए और उसके बाद बंद कर दिया जाएगा लगभग कॉन्कर्ड की तरफ। तो
ये था मेरा वीडियो स्काइलॉन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को कुछ मिला हो, अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप खाली हैं तो घंटी बजा दीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।